नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कायोबुल में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं इसका लास्ट फ्राइडे के दिन ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा है। तो आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन जो ये क्लोज हुआ है वो हुआ 157.50 रुपये पे, प्रीवियस क्लोज था 155.90 रुपये का, ओपन हुआ 156.30 रुपये पे, हाई लगाया 158 रुपये का, लो लगाया 156 रुपये का। अब देख लेते हैं स्टॉक का 52 वीक हाई कितना है, 52 वीक लो कितना है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक का 52 वीक हाई है 224.30 रुपये का और 52 वीक लो है 100 रुपये के आसपास का। अब देख लेते हैं फ्राइडे दिन इसमें किस तरीके की बैंक देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन इसमें 70% की डिलीवरी बेस्ड बैंक देखने को मिल रही है, तो काफी अच्छी बैंक इसमें फ्राइडे के दिन हो रखी है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स किस तरीके के हैं। उससे पहले देख लेते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल किस तरीके का है। तो आप देख सकते हैं कंपनी कई तरीके के लोन्स प्रोवाइड करती है, जिसमें ऑटो लोन्स है, हाउसिंग फाइनेंस लोन्स है, पर्सनल लोन्स है, एसएमईज लोन्स है, तो कई तरीके के लोन्स ये प्रोवाइड करते हैं। इसकी जो मार्केट कैप है वो 19,441 करोड़ की, स्टॉक का पी है 29.2 का, बुक वैल्यू है 128 रुपये की, डिविडेंड यील्ड है 0.51% की, आरओसी है 7.58% का, आरओई है 4.81% का, स्टॉक की फेस वैल्यू है 2 रुपये की। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं अभी भी अपने बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी चीप और काफ़ी वैल्यूएबल प्राइस पे ये मिल रहा है। और जिस तरीके से फाइनेंशियल सेक्टर में तेजी आई थी, तो ये एक काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है इस समय फाइनेंशियल सेक्टर का। अब देख लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के नतीजे किस तरीके के रहे थे। तो आप देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर जो नेट प्रॉफिट रहा था वो लॉस मेकिंग रहा। आप देखेंगे वहाँ पे माइनस में 226 करोड़ का लॉस कंपनी को हुआ था, लेकिन इस क्वार्टर कंपनी को 216 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही थी और ईपीएस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। अब देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है। तो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर जो नेट प्रॉफिट था वो था 1,075 करोड़ का, वहीं इस ईयर जो नेट प्रॉफिट रहा वो रहा 773 करोड़ का। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। अब देख लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट किस तरीके की है। तो आप देख सकते हैं कंपनी के पास जो रिजर्व है वो है 15,530 करोड़ का और जो डेट है वो है 65,101 करोड़ का। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का रिजर्व काफ़ी बड़ा है, और मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक के लिए डेट देखकर उसको एनालाइज नहीं कर सकते, और भी कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको चेक करना पड़ता है। आप देखेंगे कि नेट कैश फ्लो में भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। अब देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके का है। तो आप देख सकते हैं 52.16% की होल्डिंग्स प्रमोटर्स के हाथ में है, 20.17% की होल्डिंग्स एफआईएस के हाथ में है, 16.76% की होल्डिंग्स जीआईएस के हाथ में है, 10.62% की होल्डिंग्स पब्लिक के हाथ में है, और 0.29% की होल्डिंग्स अदर्स के हाथ में है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर डीआईएस ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉक पिक क्या करना चाहिए। तो मेरा सजेशन होगा कि स्टॉक को डेफिनेटली यहाँ से पिक करके चलना चाहिए, क्योंकि एफआईएस, एफपीआई, डीआईएस, म्यूचुअल फंड, इंस्टीट्यूशन सभी लोग यहां पे बाय कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि हमें काफी हाई लेवल पे यहां पे डिलीवरी बेस्ड बैंक देखने को मिल रही है। तीसरी चीज ये है कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं निफ्टी के 16,000 के पार जाने की, तो वो बिना फाइनेंशियल सेक्टर के पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा यहां पे पॉसिबल है कि यहां पे शॉर्ट टर्म में काफी आपको अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। टेक्निकल बेसिस पे ये अपने इस समय सपोर्ट लेवल के आसपास है। सो यहां पे डेफिनेटली इसको बाय करके चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म में जो मेरा यहां पे टारगेट होगा वो होगा 170 से लेकर 175 का। लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई अगर इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहता है तो डेफिनेटली रख सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए जो मेरा यहाँ पे टारगेट होगा वो होगा 220 से लेकर 225 तक का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।